थोड़ा सा अंग्रेजी मार देते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा प्रदीप जी और पराग जी, लिट्टी चोखा रिलीज पर है, बस उंगलियों पर गिने जा सकते हैं दिन, तो क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोग बताएं। देखिए लिट्टी चोखा के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारे हमारे राज्य की सबसे अच्छी भोजन है, इसके तैयारी के लिए ज्यादा सामग्री जुटाने की जरूरत नहीं होती है, ये इतना स्वादिष्ट है। और ये लिट्टी चोखा सिर्फ लिट्टी चोखा ही नहीं, मुझे लगता है कि जमीन से जुड़ी कहानी है, हमने किसान के मुद्दों को एक जागरूकता की तरफ लोगों के बीच में कि किसान की कितनी परेशानियां हैं, तो हम देखिए नेता तो है नहीं कि हम अपने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे या संसद भवन में हम इस बात को बोलेंगे, हम एक आर्टिस्ट कलाकार हैं तो हमारे पास एक ही माध्यम है जो सिनेमा है, पर्दे हैं, तो उस पर्दे के माध्यम से ये डायरेक्टर हैं पराग पाटिल जी, ये प्रोड्यूसर हैं, तो हम किसी की समस्या को पर्दे के माध्यम से ही दुनिया को बता सकते हैं कि हाँ ये सिर्फ आप ही का कष्ट नहीं पूरे देश की समस्या है, तो ये पूरे देश की समस्या है जो किसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि दवा के बिना हम जी सकते हैं, पैसे के बिना हम जी सकते हैं, बट अन्न के बिना इस धरती पे कोई नहीं जी सकता, पूरी धरती की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या चाइना हो, दुनिया की कोई भी राज्य हो देश हो, मुझे लगता है कि किसान अगर नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। हम कमाते हैं क्या, तो हमेशा आदमी कहता है कि दो रोटी कमाने के लिए, लेकिन वो रोटी कौन कमाता है, हम तो पैसे कमाने आते हैं, रोटी कमाने नहीं आते, हम तो पैसे कमाने आते हैं, रोटी हमारे लिए अगर कोई कमाता है तो वो किसान कमाता है, तो इसलिए हर पूरे किसानों को सम्मान है, और मैं किसान के बेटा होने के नाते मेरे पास जो जरिया है उस जरिया के वजह से मैं जाना जाता हूँ, तो हमारे पास जो माध्यम है उसी माध्यम से किसानों की समस्या को मैंने दुनिया के बीच में रखी। पराग जी, कहाँ थिएटर्स मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है फिल्म?